हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हमारी सोसाइटी में नवरात्रि का डेकोरेशन हो गया स्टार्ट। कल अम्ब्रेला भी लगाए थे लेकिन रात में काफ़ी बारिश हो रही थी तो फिर वापस हटा दिए। ये देखो अथू, बहुत दिनों के बाद तो वो अभी लगाए। बहुत सुंदर सा डेकोरेशन है इस बार। मतलब हर साल कुछ नया नया सोचते रहते हैं तो उसमें इस बार बहुत नया सोचा है। और जिसका भी आइडिया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि हर साल कुछ नया नया होता है तो देखना भी अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से पूरा किया है, लेकिन अभी बाकी है, थोड़ा सा है ये। और बहुत ही अलग यूनिक होने वाला है डेकोरेशन इस बार हमारा नवरात्रि का। ये रहे इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल ढंग से। और ये अंदर लाइटें लगेगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। बार तो काफ़ी दिनों के बाद मैं भाजी पाव बने, बहुत टाइम हो गया। मतलब मटर और सब सब्जियां मतलब अच्छे से जब तक लगे कि नहीं मिल रही है तब तक बनाने का मन भी नहीं करता। कल मुझे बहुत ही अच्छी सब्जियाँ मिली, कल शाम को लेने के ना बहुत ही अच्छी सब्जियाँ थी। सोचो चलो आज संडे है तो संडे स्पेशल कुछ बनना भी चाहिए। वो वैसे बच्चों को पसंद भी बहुत है भाजी पाव, तो सोचो चलो भाजी पाव ही बना लेती हूँ। देखिए हमारी भाजी और बहुत ही मस्त बनी है एकदम। इस तरह से बटरी, पूरी बटर डाला है मैंने अच्छे से इसके अंदर। और ये देखिए इस तरह से एकदम मतलब बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मस्त बनती है। इस तरह से अगर भाजी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनती है। हमारी मसाला छाछ बहुत गंदा पड़ा है, साफ करूं, बहुत थकान सी लग गई है सुबह से भाग भाग के सारा काम करते हुए। सेक लिए पाँव भी, बस खाना खाएंगे फिर जाऊंगी मम्मी के घर। ये रहे हमारे एकदम क्रिस्पी से सिके हुए पाँव, ये रहे ऐसे। काफ़ी दिनों से जाना है मम्मी के घर पर जा ही नहीं पाते, टाइम ही सेट नहीं होता। सोचा आज खाना खा के फ्री होके जाऊंगी दोपहर में। और आज संडे थोड़ा लेट उठी थी तो दोपहर में सोने की भी ज़रूरत नहीं है। और काम थोड़े रहे पड़े रहेंगे तो भी ठीक है, फिर शाम को आकर कर लूँगी, लेकिन आज जाकर आऊँगी। बहुत दिन हो गए। और मेरी बड़ी वाली बहन ने वहाँ से नान खटाई भेजी है, बिस्किट्स भेजे, तो कब से किरण गई थी मिलने तो लेकर आई थी, तो कब से वो भी कैर लेके तो जा टेस्ट कर कैसे हैं, तो मैं सोची चलो ले आती हूँ, वो भी मिलना भी हो जाएगा, लेकर भी आ जाऊँगी। काफ़ी सारे डब्बे मेरे मम्मी के घर पड़े हैं तो वो भी हिल जा रही हूँ तो लेकर आऊँगी। तो काफ़ी सारा मतलब आज है कि जाऊँ, और आज तो मुझे जाना ही है। जल्दी से खाना फिनिश हो जाए, लंच ख़त्म कर देंगे फिर उसके बाद निकल जाऊँगी। और कपड़े डालें बहुत सारे स्टैंड पर, ऊपर तार पे, कि आज को एटलीस्ट आज कपड़े थोड़ी धूप लगे और सूख जाए, क्योंकि तीन दिन हो गए, तीन दिन से नॉन स्टॉप यही चल रहा है, तो अभी कपड़ों का भी सही करना ज़रूरी है। और आज लग रहा है बारिश आई तो नहीं है, थोड़ी एक दो घंटा भी धूप निकल जाए ना अच्छी वाली तो कपड़े मस्त गर्म हो जाएंगे। तो मतलब वो भेज होता है ना कपड़ों का वो चला जाएगा, मॉइस्चर जो रह जाता है वो चला जाएगा, तो फिर कपड़े समेट के रखने का भी अच्छा लगता है, वरना फिर हल्की हल्की सी स्मेल आती रहती है कपड़ों में से। वही है, ये सारे काम फिलहाल तो कर लेंगे हम लोग लंच, और उसके बाद थोड़ा जितना काम होगा प्लेटफॉर्म साफ करना वो सब, और उसके बाद मैं जाऊँगी बनने के लिए, फिर वहीं मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाली जो मतलब मेरी छोटी वाली बहन हम सबके लिए लेकर आई थी ना साड़ियाँ, उसके साथ ये कॉन्ट्रास्ट में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये कलर इसके साथ में। तो दीदी को पता नहीं है मतलब क्या सा कलर है क्या है, तो अभी लेके जाएगा इसको घर पे, तो दीदी देखेगी और फिर उनको कैसा लगा वो कहेगी फ़ोन करके कि हाँ भाई मुझे पसंद आया अच्छा। और ये था कि उनका ये ब्लाउज़ मेरे पास कब से पड़ा हुआ था, तो मुझे अच्छा रहा कि माप से मैं बनवा पाई, तो ये अभी भेज रही हूँ। और बाकी सारा सामान जीजा जी लेकर आए यात्रा करने गए थे वहाँ से, वो भी पहुँचाना है, तो वो भी ये सब इसमें है। ये रहे पापा, हेलो पापा, थैंक यू। फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी मम्मी से कि मम्मी को भी सेम ऐसा ही ब्लाउज चाहिए, तो मैं कल ले आऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा थकान लगी फ्रेंड्स, और आ गई घर, इतनी सारी बातें करी हैं,
मतलब बहुत ज़्यादा बातें करी और इतनी मजाक मस्ती होती है, हम लोग बैठते हैं बातें करते हैं, एक दूसरे की खींचतान करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोगों का घर में एक सबके साथ ऐसा ही फ्रेंड वाला रिलेशन है, सबके साथ बातें करते हैं, ऐसे बहुत अच्छे से खुल के बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बात शेयर करना सब कुछ, तो बहुत ही एकदम हल्का फुल्का सा एटमोसफियर रहता है हमेशा। कभी ये नहीं कि इसको बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, ये मम्मी पापा है, पापा के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है हमारे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे लिए मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं, क्योंकि आज तक हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन मेरे पापा ने कभी जोर ऊंची आवाज़ में, हम पांच बहनें उसके बावजूद भी कभी भी किसी भी बहन को, ऐसा नहीं मुझे, हम पांचों में से किसी को भी ऊंची आवाज़ से कभी किसी को बोला तक नहीं। डांटना तो बहुत दूर की बात, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कुछ बोलते बोले हमारे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें तो बहुत डर लगता है, तो मुझे लगता है कि सच में ऐसा होता है, क्योंकि मेरे पापा तो कभी मतलब हमें कभी नहीं डांटा। तो पापा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है हमेशा ही, पहले से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वही है, तो बस वही। फिर भाई ने बोला चाय बना दे, तो चाय बनाई, चाय पी और बस थोड़ी ये सब सारी बातें की, मजाक मस्ती वाली। हम मिलते हैं उतनी बार, मतलब हमारी बचपन की बातें, हम बचपन में जहाँ रहते थे वहाँ की यादें, वो सारा हम लोग मतलब जितनी बार मिलते ना हमारे जहन में वो सारी बातें आ ही जाती है, हम लोग करते ही हैं। और वही मेरी बड़ी वाली बहन ने जो भेजे थे बिस्किट्स वो लेकर आई मैं, और कुछ डब्बे मेरे वहाँ पड़े थे तो वो भी लेकर आई, और वहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो ली है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रहा है नवरात्रि के लिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस वहाँ पर भी हमारे भी स्टार्ट हो गया, और उधर भी डेकोरेशन, मम्मी का उधर भी डेकोरेशन चल रहा था, आज बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रहे हैं, हमारा भी बहुत इस बार अच्छा है डेकोरेशन। ये वाले बिस्किट्स हैं, कुकीज़ वो भिजवाइए, मैं थोड़े ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आई, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला कि अगर बच्चों को अच्छे लगेंगे तो और मैं लेकर जाऊँगी, मैं लेकर आई इतने, और अधू और ध्रुवी को पसंद आए तो फिर और लेकर आऊँगी जाकर, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, तो इतने से ही लेकर आई हूँ मैं कि पहले देख ले बच्चों को अच्छे लगते तो फिर ले आऊँगी, तो यही है। और बस आ गई घर पे, तो मैं तो चाय पी कर आई हूँ, लेकिन फिर भी शाम की चाय तो मतलब बनानी बनती है, लेकिन अभी घनश्याम गए हुए बाहर, तो जब आ जाएंगे घर तो फिर बनाऊँगी चाय। और आज पूरा दिन बारिश नहीं आई, और मतलब धूप भी नहीं निकली इतनी, लेकिन बारिश भी नहीं आई, तो एटलीस्ट आज ऐसा लग रहा है कि हाँ कपड़े थोड़े सूख गए, और लेकिन कल फिर कल का इंतज़ार करूँगी, अगर कल धूप निकलती तो एक आधा घंटा कपड़े धूप में डाल दूँगी और उसके बाद सारे कपड़े समेटूँगी, आज भी कपड़े नहीं समेटने वाली मैं। तो भाजी पाव तो पड़े हैं, लेकिन मेरा कुछ खाने का मन हुआ स्पेशल, तो मैंने बनाया है वगैरह हुआ दही, तड़के वाला दही बोलो या ऐसे, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली बाजरे की रोटी के साथ में। तो मन हुआ अचानक से कि आज कुछ ऐसा खाना है एकदम मस्त यम्मी सा टेस्टी सा, तो वही। और बच्चे मसाले पाव खाने वाले, मतलब लहसुन की चटनी और पूरा एकदम बटर में एकदम अच्छे से मिक्स करके फिर पाव रख के, तो वैसे वाले खाएंगे, तो पूरी तैयारी करके रखी हुई है, सब करके रखा है, ये लहसुन की चटनी मैं तैयार रखती हूँ, पाव काट कर सब तैयार है। और ये है दही, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अभी 8:30 बजने आए, तो मैं बना लेती हूँ पहले बाजरे की रोटी, और उसके बाद बनाऊंगी बच्चों के लिए मसाला पाव, और फिर कर लेंगे डिनर। बस आज का दिन खत्म, संडे तो कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला पूरा दिन, और वही। तो आज का दिन वैसे देखने जाओ तो काम बहुत था, लेकिन बहुत ही अच्छा गया, देखते हैं कल। अब कल मंडे है, तो कल मन बहुत मतलब पूरी प्लानिंग है ये कि किचन की सफाई निकाली जाए, कम से कम 50% सफाई तो कम्प्लीट करें, और देखते हैं मौसम फिर कैसा रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। आज बारिश तो नहीं आई, लेकिन मौसम तो पूरा दिन वैसा ही रहा, तो उस पर है, अगर बहुत अच्छा मौसम रहा, कल धूप निकलती है तो फिर किचन के ऊपर के ड्रॉर तो एटलीस्ट साफ कर ही देने दोनों साइड के, तो एक काम तो हो कम से कम, मतलब उतना साफ हो जाएगा तो ऐसा लगेगा 50% काम हो गया है। फ्रेंड्स मसाला पाव बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए लहसुन की चटनी में मस्त अच्छे से घी या बटर में पूरा अच्छे से सेक देना है, जब चटनी सेक जाए बटर में अच्छे से, तो इसमें पाव में डाल के फिर ग्रीन चटनी और चीज़ डाल के एकदम अच्छे से सेक लेना है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पाव खाने में।